can order his data. Why raise? Why he should come to the court even? He's not required to approach the court. आप ही को pension देनी चाहिए थी. मतलब at the fag end of service मतलब he's. और wastage of court time के अलग cost लगाते हैं. The fag. Maybe fair but you are not lovely. No, this is a matter for the pension, Maro. Pension? Yes, Your Lordship. Pension denied? No, it's not denied, Maro. मेरा कहना है कि मुझे एमपी पेंशन सिविल सर्विसेज 1976 में पेंशन दी जाए एंड रिस्पोंडेंट का कहना है 19 मालूम एंड रिस्पोंडेंट का कहना है कि इनको अंशदान पेंशन 2005 से जो लागू हुआ है वो दिया जाए. मतलब द पिटिशनर वाज अपॉइंटेड ऑन डेली वेजेस इन द रिस्पोंडेंट डिपार्टमेंट. पेंशन तो मिल रही है ना? नो मालूम, नथिंग हैज बीन गिवन टू द पिटिशनर. मालूम वो होल्ड पर है सारी चीजें एंड द पिटिशनर हैज बीन रिटायर्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑल्सो. मालूम on 12/7/22 it was mentioned that pleadings are complete. ठीक है, pension matter है. हाँ ठीक. इससे ज़्यादा urgent क्या हो सकता है matter? नहीं नहीं, आपको बताने का बार बार मतलब है कि हम admit करके इसको 10 साल के लिए डाल दें. On previous two dates the petitioner content matter and pension matter finally in that motion. Yes yes, I am not. Previous dates the petitioner ही नहीं appear हो रहे थे. हाँ बताइए. Why the petitioner was appointed in the respondent department as assistant sub inspector on daily wages my lord in 1991 my lord. Thereafter my lord the respondent has regularized the petitioner in service in 9/12/2004 my lord. 9/12/2004 my lord. Regularized. Yes your lordship, that is annexer p1 of my compilation page number 10 my lord. Daily appointment of where? Appointment my lord on daily wages in 1991. Yes your lordship. Which is the rejection order? They have not filed. आपने लगाया? नहीं, वो मैंने तो reply पेश कर दिया तो उसके बाद reject हुआ है 11/7/22 को. कहाँ है? Challenge नहीं हुआ? नहीं. मतलब the petition was filed in 25/2/2021. Retire हुए 21 में? Yes, Your Lordship. 31/7/21. And the reason for non-granting the pension under such scheme is that, my lord, that the petitioner has joined the post on 8/1/2005 in the department, my lord. And why so, my lord? Because, my lord, the petitioner was appointed for the Rajgarh Mandi. And there was no Mandi in Rajgarh at that time, my lord. Therefore, the petitioner was working in Narsingarh, my lord. Where he was? एक मिनट, 31/12/4 डेट कहाँ से आई है? 31/12/2004 की डेट. आपने लिखा कि इसके बाद इन्हें ज्वाइन किया है. Yes. इसलिए पात्रता नहीं. Annexure P3 at page number 13. P3. Yes. 7/1/5 को. हाँ. अरे तो बट ये इसी के कारण entitled नहीं है पेंशन का. Yes, Your Lordship. तो ये डेट कहाँ से? वही तो पूछना. 31/12. ये काहे की डेट है? इस दिन पेंशन रूल्स आए थे क्या आपके यहाँ? 31/12 एनेक्सर P2 है मिलोड, इन्होंने ही लगाया. हाँ, क्या कहता P2? नो दैट इज माय रिप्रेजेंटेशन. एप्लीकेशन है इन्होंने, दैट इज माय रिप्रेजेंटेशन. ज्वाइन करना था पदस्थापना स्थल पर ही और इन्होंने उसमें जो ऑर्डर में आया है वो संशोधन राजगढ़ आ गया. अरे तो उससे पेंशन का एंटाइटलमेंट में कैसे फर्क पड़ेगा? वो 1/1/5 से लागू हुई है पेंशन की स्कीम जो हुई है, ये इसका सर्कुलर इन्होंने लगाया है. वही पूछ रहा हूँ, कौन सा सर्कुलर है? ये डेट कहाँ से आई है? दैट इज एनेक्सर P5 मिलोड. P5? यस, ऑर्डर बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर. हाँ, विषय नंबर 15, मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड एवं मंडी समितियों में दिनांक 1/1/5 अथवा उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की जाना. तो इनका जो ज्वाइनिंग आ रहा है वो 8/1/5 का आ रहा है. आपको पता है अब सीनियरिटी कहाँ से मिलने लगी है? सुप्रीम कोर्ट से, डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट से, ना कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से. तो वो तो इमटेरियल है डेट ऑफ ज्वाइनिंग. वो तो प्रमोशन के केस में होता है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियरिटी में. अपॉइंटमेंट में इसका कोई लेना देना नहीं.
केवल इतने दो डेट दो दो दिन के कारण इसकी पेंशन छह दिन के कारण, वो भी वो संशोधन मतलब ऑर्डर में नियमितीकरण ऑर्डर में गलत आ गया मंडी मतलब जिसको देखो मर्सीलेसली काम कर रहा है बिल्कुल एकदम टोटल नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड टोटल मर्सीलेस लिखिए पिटिशनर हैज फाइल्ड दिस प्रेजेंट पिटिशन सीकिंग पेंशन ऑन अकाउंट ऑफ हिज सर्विस एज सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन कृषि उपज मंडी facts of the case in short are as under. The petitioner was initially engaged as a daily wage against the post of assistant sub-inspector at Krishi Upaj Mandi Samiti Narsinghgarh on or before 31-12-98. Thereafter, by the order dated 9-12-2004, he was regularized. The order is posted. Only same. On record as annexure P1. And his name is? 250 per head. Page number. His name is 11. Serial number 250. And he was posted at Krishi Upaj Mandi Rajgarh. Change ka hui hai? 715 को एनेक्सर P3 पेज नंबर 33 अच्छा वाइड ऑर्डर डेटेड 7-1-2005 इस प्लेस ऑफ पोस्टिंग वाज चेंज फ्रॉम राजगढ़ टू नरसिंह मंडी देयर आफ्टर ही गेव ज्वाइनिंग ऑन 8-1-2005 पैरा मध्य प्रदेश राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्ड एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड वाइड ऑर्डर डेटेड 5-12-2008 has introduced pension for its employees who joined the services after 1-1-2005. The petitioner retired from service. Kab hua date kya? 31 July 2021. And he has been denied the pension. Hence, this present petition is filed. The respondent has filed the return, submitting that the petitioner joined after regularization on 8-1-5. Therefore, that is after 1-1-2005. Hence, he is not entitled for pension. Thereafter, the additional collector, joint director, MP Agriculture, State Agriculture Board has wide order dated 11-7-22 has rejected the claim of the petition on the same ground. Before regularization, the petitioner was already working in the services of the Mandi Board, although as a daily rated employee, but against the vacant post of assistant sub-inspector. Wide order dated 9-12-2004, on the basis of the seniority list of daily rated employees, as on 7-9-2001, the petitioner was regularized. As many as 250 daily rated employees were regularized. To the post of assistant sub-inspector in pay scale of 3050-4590. And they shall remain on probation from their place of posting from the date of joining. The petitioner was posted at Rajgarh by the order of regularization, Rajgarh Krishi Upaj Mandi. But before he could join, by the order dated 7-1-2005, the Rajgarh has been changed to Narsinghgarh. And immediately he joined on 8th next day.
Therefore, he cannot be treated as that. That he was not in the service of Mandi Board because of delay in the joining. He was in service as daily rate employee and thereafter regularized by the order dated 9-12-2004. Only due to the fault on part of the respondent, due to the change of place of posting, there was a delay in joining, which shall not disentitle him to get a pension for service rendered from 91 till जब से आप तो मांग रहे रेगुलराइजेशन से ही ना रेंडरिंग द सर्विस इन द मंडी पिटीशन इज अलाउड पिटीशनर इज पेंशन ऑफ द पिटीशनर बी सेटल्ड इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम टुडे 30 डेज में ही हो जाएगा कोई बड़ा काम 30 डेज नेक्स्ट कॉस्ट लगा He is not required to approach the court. आपको पेंशन देनी चाहिए थी. मतलब at the fag end of service, मतलब और wastage of court time के अलग cost लगाते हैं. मतलब आपको apply करना चाहिए mind. मतलब we have been fair to the court. मतलब the cost may not be imposed. मतलब because at the fag end imposed. मतलब because at the fag. You may be fair, but you are not lovely. High level.